हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनम ट्रैवल आर्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ गमले परचेस किए थे मीशो से और उसको मैंने कलर किया था। देखिए इस तरीके से मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे गमले और ये काफ़ी स्ट्रांग हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं वॉल। फिर मैंने जो चार गमले मंगवाए थे उसमें मैंने सोचा क्यों ना, बतख तो वैसे ही वाइट कलर की रहती है, हम उसकी चोंच और आँख में कलर कर देते हैं। तो बारी बारी से मैंने चारों गमलों पे उनकी चोंच पे कलर कर दी। आप देख सकते हैं कि कलर करने के बाद जो वाइट कलर की बतख है, जो गमले हैं, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे, बिल्कुल एकदम बतख की तरह। उसके बाद फिर मैंने चारों गमलों में कलर, फिर मैंने उन गमलों की आँखों में भी कलर कर दिया। आप देख सकते हैं बतख और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी उनके, जब वाइट कलर के गमलों पर एकदम काले कलर की आँखें दिखने लगी उसमें, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने गमलों में सजाया था। आपको तो पता है कि मुझे पौधे लगाना कितना ज़्यादा पसंद है। तो फिर पापा ने उसके लिए मेरी हेल्प कर दी है, पापा ने उसके लिए मिट्टी तैयार कर दी है। बारी बारी से हमने सारे गमलों में जो खाद वाली मिट्टी तैयार की है उसको फिर हमने धीरे धीरे सारे गमलों में डाल दिया। कुछ इस तरह पूरी अंदर तक हमने सारी मिट्टियाँ भरी, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो सारी मिट्टियाँ सूख लेता है पानी, इसलिए हमने ऊपर तक मिट्टी डाली गमलों में। आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिखते हैं सारे गमले। और मेरे घर के पास में रहते हैं अंशु और मधु, उनके कुछ बेहतरीन फ़ोटो जो स्कूल जाने के लिए तैयार थे। फिर मैंने बारी बारी सारे गमलों को लेकर आई और मेरे घर की जो विंडो है वहाँ पर मैंने सजा दिया है। उसमें फिर मेरी अंशु ने मेरी हेल्प की, उसने भी एक गमला लेके गई, उसे काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था ये गमला, फिर उसने मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक करी। और ये पौधे मैंने कुछ नर्सरी से लेके आए थे और कुछ मैंने किसी के घर से भी लेकर के आए थे कलम में। फिर मेरे पौधे लगाने में मेरी हेल्प मम्मी और पापा ने की, उनको पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम जो नर्सरी से पौधे लेकर के आए थे उसको फिर हम लोगों ने लगाने के लिए उनकी जो पन्नियाँ रहती हैं उनको धीरे धीरे फिर हम लोगों ने काटा और सारे गमलों में बारी बारी हम लोगों ने लगाया। फिर ब्लेड की मदद से उसकी जो पन्नियाँ होती हैं उनको कट की हम लोगों ने, फिर बारी बारी से हम लोग गमलों पर लगाए और थोड़ी और मिट्टियाँ उसमें ऐड कर दी। उसने जो नर्सरी से पौधे लेके आए थे उसमें पहले से ही खाद वाली मिट्टी लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने उसमें ये थोड़ी दूसरी वाली मिट्टी ऐड कर दी। हाँ, पर इससे पहले हम लोगों ने उसमें जो मिट्टी डाली थी उसको पहले निकाली फिर दूसरी मिट्टी डाली। अब देख सकते हमारे सुंदर सुंदर फोटो मम्मी पापा के साथ में। फिर मैं काफ़ी शाम होने लगी थी धीरे धीरे, तो फिर हम लोगों ने गमले से जो हमने पौधे लगाए थे उन्हें पानी डाला। इसी तरह से अपने घर पे पौधे लगा सकते हैं। ये जो पहला पौधा दिख रहा है वो शेवंती का है और बाकी सोपत्ती वाले पौधे जो छोटे में ही फूल देने लगते हैं, तो ऐसे पौधे मुझे चाहिए थे इन बतख वाले गमलों के लिए। तो प्लीज़ आप भी ऐसे पेड़ पौधे लगाइए अपने आसपास की जगह पर और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए आप किस तरीके से घर में जब गमले लगे उसके बाद से विंडो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी। इस तरीके से हम लोगों ने उसको सजाए थे। और ये मेरे प्यारे नेफ्यू हैं बाबू और गोमी। पूरा वीडियो देखने लगी, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर।